नमस्ते सभी रेस्पेक्टेड एंड डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शिव कुमार। एंजॉय माय लाइफ इज अ टाइटल। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में आपको रिक्वेस्ट करनी है कि कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में जितने भी अब तक सभी एक्सपर्ट्स और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी प्रीकॉशंस बताए हैं, उन प्रीकॉशंस को करते हुए सबको पहले स्टेप पे सारे प्रीकॉशंस करने हैं, जैसे किसी से हाथ नहीं मिलाना है, 1.5 मीटर की दूरी रखनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, कम से कम जाना है और आधे घंटे में हाथ धोते रहना है। जितने भी प्रिवेंशंस किए हैं उन सबको करते हुए पहले फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में आपको रिक्वेस्ट ये है कि अपना इम्यून सिस्टम और एनर्जी बॉडी की और ब्रेन की बढ़ाने के लिए आप कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और मेडिटेशन करें। कपालभाति एंड भस्त्रिका प्राणायाम से और मेडिटेशन से आपकी विल पावर, इम्यून सिस्टम एंड बॉडी की एनर्जी पावरफुल हो जाएगी। उससे जब आपका एनर्जी और पावर और विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, तो किसी भी तरह का वायरस आपसे जीत नहीं सकता, आप उससे वो हार जाएगा। तीसरे स्टेप में आप सूत नेति, जल नेति, कुंजल करें, उससे क्लिंजिंग हो जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस या किसी भी तरह का और दूसरे वायरस भी आपके नोज के माध्यम से, थ्रोट के माध्यम से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हार्ट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को और स्टमक में जाते हैं। और ख़ास करके कोरोना वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है, तो भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति से, सूत नेति, जल नेति, कुंजल से आपका लंग्स की पावर, एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सब किसी योग के टीचर के माध्यम से सीखें और ये हमेशा ही आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा एक और काम करें कि गरारे करें, नमक के पानी में, गरम तेज़ गरम पानी में नमक डाल के चाय की पत्ती डालें प्लस हल्दी डालें, उससे गरारे। क्योंकि जैसा कि पता चला है कि कोरोना का वायरस और 4 दिन आपके थ्रोट में रहता है, और थ्रोट का फंक्शन भी ये है, आपके बॉडी का थ्रोट का फंक्शन भी है किसी भी तरह का इनहाइजीनिक और जहर नोमा प्लस वायरस को रोकता है, आपकी बॉडी मैनेज रोकता है। तो गरारा, नमक का पानी, चाय की पत्ती का और हल्दी डालेंगे तो उससे अगर थोड़ा बहुत वायरस आने के चांसेस होंगे वो रोकेगा। इस चौथा स्टेप और आपको बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप है प्रिवेंशन, सेकंड स्टेप है प्राणायाम्स, तीसरा स्टेप गरारा, और चौथा स्टेप जब आपके मतलब है आपने प्रिवेंशन ले लिया, इम्यून सिस्टम, एनर्जी और पावर, अपनी विल पावर बढ़ा ली, चौथा सिस्टम है कि कोरोना वायरस को दुश्मन ना समझो, उससे घृणा मत करो, उसको दोस्ती की तरह से, राजा बाली जो थे रामायण में, वो जो भी जितने भी प्रकार के सामने उनके दुश्मन आता था उसको दुश्मन ना मान के उसके गुणों की तारीफ करते थे। हर आदमी में मेरिट्स डीमेरिट हैं, हर आदमी का अपना जॉब प्रोफाइल KRA है, उसको दोस्त की तरह देखते थे,
तो सामने वाला आदमी इम्प्रेस्ड, इन्फ्लुएंस और मुरीद हो जाएगा। जब सामने वाला किसी भी तरह का परिस्थिति, व्यक्ति या वायरस, और आप घृणा नहीं करेंगे उससे, दुश्मनी नहीं करेंगे, तो वो भी आपका ख्याल रखेगा, वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो भी आप पे अटैक नहीं करेगा। सभी इन सभी बातों से आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, समाज को ध्यान रखें, सुख शांति स्वस्थ आनंदित रहें। इन सभी बातों के माध्यम से आप अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को रखें, अपने समाज को रखें। परिवार और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होगा, और इसको हमने, भारत ने, हमने सबने मिलकर हराना है। नमस्ते, मैं आपका पुनः आपका दोस्त शिव कुमार। एंजॉय लाइफ माई टाइटल। धन्यवाद।